7 करोड़ के स्पाई घोटाले के जिस आरोपी को ढूंढ रही है विजिलेंस टीम, वह भाजपा नेताओं के संग ले रहा है सेल्फी। आरोपी खुद व्हाट्सएप ग्रुप में डाल रहा प्रोग्राम की फोटो, विजिलेंस 33 दिन में भी नहीं पकड़ पाई। अब सवाल बड़ा, ये राजनीतिक दबाव या विजिलेंस का फेलियर? कैथल जिला परिषद में हुए 7 करोड़ रुपए के स्पाई घोटाले की जांच कर रही एंटी करप्शन ब्यूरो टीम की कार्यशैली पर अब सवाल उठने लगे हैं। इस घोटाले में कुल 14 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। इनमें से अब तक 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। इस FIR में शहर के एक बड़े भाजपा नेता का नाम भी शामिल है, जो मामला दर्ज होने के बाद गिरफ्तारी के डर से लगातार फरार चल रहा है। जिन आरोपियों को पकड़ने के लिए विजिलेंस की टीमें दिन रात छापेमारी कर रही है, उन आरोपियों में से कैथल निवासी एक आरोपी प्रवीण सरदाना सरियाम विजिलेंस की नाक के नीचे भाजपा पार्टी के प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम में भाग ले रहा है, जिसकी फोटो वह खुद शहर के कई व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर रहा है। विजिलेंस टीम द्वारा आरोपियों की दर पकड़ के लिए बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, लेकिन एक महीने का लंबा समय बीत जाने के बाद भी टीम अभी भी मुख्य आरोपियों तक नहीं पहुंच पाई, जिसको लेकर अब विजिलेंस की कार्रवाई पर सवाल उठने लगे हैं। सवाल उठे भी क्यों नहीं, क्योंकि जब विजिलेंस ने मामला दर्ज होने के तुरंत बाद 7 आरोपियों को एक साथ गिरफ्तार कर लिया गया था, तो अब एक महीने बीत जाने के बाद भी बचे हुए शेष आरोपियों को गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा। बता दें कि कैथल जिला परिषद में कोरोना काल के दौरान 11 करोड़ रुपए का स्पाई घोटाला सामने आया था। इसमें 10 फर्मों के ठेकेदारों ने अधिकारियों के साथ मिलीभगत कर ग्रामीण क्षेत्र में बिना विकास कार्य किए ही सरकारी राशि का गबन कर लिया था। यह राशि सीधे अधिकारियों व ठेकेदारों के बैंक खातों में डाली गई थी। 3 साल की लंबी जांच के बाद विजिलेंस द्वारा मई 2024 में इस मामले को लेकर कुल 14 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया था, जिसमें अधिकारियों से लेकर ठेकेदारों के नाम भी शामिल हैं। विजिलेंस इनमें से अभी तक केवल 7 आरोपियों को ही गिरफ्तार कर पाई है। घोटाले में संलिप्त SDO, JE, अकाउंटेंट सहित 4 ठेकेदार जेल में बंद हैं। उधर विजिलेंस टीम शेष बचे आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर तमाम दावे कर रही है, लेकिन यह दावे असल में धरातल पर कहीं दिखाई नहीं दे रहे। घोटाले के आरोपी विजिलेंस की तमाम कार्रवाई को दत्ता बता आज भी सरेआम खुले में घूम रहे हैं और प्रोग्राम व कार्यक्रम में हिस्सा लेकर शहर के व्हाट्सएप ग्रुप में फोटो डाल रहे हैं। अब देखना यह होगा कि कब तक विजिलेंस बचे हुए आरोपियों को पकड़ पाती है। इस बारे में जब कैथल ACP कार्यालय में जाकर कैथल विजिलेंस इंस्पेक्टर महेंद्र सिंह से बात की गई, तो उन्होंने बताया कि आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर उनकी 2 टीमें लगातार दबिश दे रही हैं। घोटाले के आरोपी प्रवीण सदाना की उनके पास कुछ फोटो और वीडियो आई हैं, जिसको लेकर उनकी टीमें लगातार काम कर रही हैं। जल्द ही शेष आरोपियों को भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा।